मंत्री शिवराज सिंह चौहान के कार्यकाल के दौरान मनरेगा के तहत नर्मदा किनारे और नर्मदा नदी के कछार क्षेत्र में लगाए गए पौधों की सत्यापन के जांच आदेश दे दिए हैं। इसके लिए 24 जिले के कलेक्टर और जिला पंचायत सीईओ को पौधे की जियो टैगिंग करने के लिए निर्देशित किया गया है। इंदौर जिले में मऊ और सावेर तहसील में नर्मदा नदी के बेसिन इलाके में 49,000 पौधे मनरेगा परियोजना में लगाए गए थे। इन सभी पौधों की जियो टैगिंग का काम भी शुरू हो गया है। वहीं 7 दिनों के दौरान रिपोर्ट भी तैयार कर ली जाएगी। मोबाइल ऐप के जरिए सभी पौधों की जियो टैगिंग की जाएगी। इससे प्रत्येक पौधों और पेड़ की जियो टैगिंग के जरिए डाटा एकत्रित ऑटोमेटिक मोबाइल में फीड हो जाएगा। इंदौर में पूरे काम को करने के लिए 40 लोगों की टीम बनाई गई है, जो कि तत्कालीन भाजपा सरकार के कार्यकाल में लगे पौधों का सत्यापन करेगी। अधिकारियों के मुताबिक हाल में ही पंचायत और ग्रामीण विभाग ने नर्मदा नदी और कछार क्षेत्र में मनरेगा के तहत रोपे किए गए पौधों का सत्यापन करने के लिए निर्देश दिया है। तत्कालीन सरकार ने 24 जिलों में 2.25 करोड़ से ज्यादा पौधों का रोपण किया गया था। नियमों के मुताबिक किसी भी परियोजना के तहत रोपे किए गए पौधों में से 20% से कम पौधे जीवित रहने पर वसूली की प्रक्रिया की जाती है। फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। हुए हैं कि मध्य प्रदेश में 24 जिले हैं जहां पर 2017 में नर्मदा बेसिन पे वृक्षारोपण हुआ था मनरेगा के माध्यम से, उनका किया जाए। 24 जिलों के अंतर्गत करीबन 2.25 करोड़ पौधे लगाए गए थे। इंदौर जिले में महू जनपद व सांवेर जनपद में ही लगाए गए थे वो पौधे जो नर्मदा बेसिन पे लगाए गए थे, और करीबन 49,000 पौधे लगाए गए थे। परिषद की तरफ से एक ऐप बनाया गया है इंफ्रा मैपिंग करके, उसके अंदर एक एक पौधे की और हर परियोजना की फोटो खींचकर और उनकी जियो टैगिंग करवानी है, तो उसके बारे में पूरी की पूरी जांच बिठाई गई है। तो अब वो उसके बारे में 40 लोगों का हमारे द्वारा एक दल गठन किया गया है। तो आज कल और परसों 3 दिन मिला के उनको द्वारा यही कार्य किया जाएगा कि जितने भी पौधे जो पौधारोपण किया गया था 2017 में नर्मदा बेसिन पे, उनका सत्यापन किया जाएगा ऐप के माध्यम से। लेकिन मैम ये होता है कि जिस तरीके हाँ RDV की हमारी जो हर थर्सडे को जो ग्रामीण विकास की जो VC होती है उसके अंदर भी जो हमारी कमिश्नर मनरेगा है उनके द्वारा यही निर्देश जारी किए गए मैम। लेकिन इसमें ये होता है कि जितने पौधे सपोज 100 पौधे रोपे गए तो 30 में उनका मतलब किस तरह से इसकी जिला पंचायत के माध्यम से जो पिछले 2-3 वर्षों में जो वृक्षारोपण हुआ है उसके जियो टैगिंग काम ऑलरेडी चल रहा है। जहाँ तक मेरी जानकारी ऑलमोस्ट 40 लोगों की टीम है जिसके लिए डेप्यूट की गई है, और इस जियो टैगिंग अभियान में जो शासन के निर्देश है उसको सख्ती से पालन किया जाएगा। खासतौर पर नर्मदा किनारे पौधे लगाए